मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? हम सब ठीक है। मैं जिम से आ गई हूँ। मैं मॉर्निंग में ही चली गई थी क्योंकि परी है, दोनों घर पर ही, क्योंकि उनका इन लोगों का समर वैकेशन चल रहा है। इसी वजह से मैं मॉर्निंग में जल्दी चली जाती हूँ। ये लोग जब सो रहे थे तब तक मैं मॉर्निंग जिम करके आ जाती हूँ। और बेटी मेरी यहाँ पढ़ाई कर रही है, हॉलीडे होमवर्क कर रही है। और यह जो 20 दिन बच्चे और ये मेरा, अब तेरा तू क्या होमवर्क? तुम क्या कर रहे? कल मैं ब्लॉग वगैरह कुछ ही नहीं डाली थी क्योंकि आप यार, आप लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हो, इसी वजह से मैं नहीं डाली थी। मन उदास हो गया था, इसी वजह से। सब्सक्राइब भी करते हो, अनसब्सक्राइब भी कर देते हो, फिर इसी वजह से मैं कल कोई ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं बनाई थी। ये मेरा बच्चा अब दिन भर बंदर बच्चा, हैशटैग बंदर बच्चा। चलो चलो ब्रेकफास्ट जल्दी करो, क्या होते रहता है? चलो बनाना लाई, बनाना वगैरह खाओ। अभी घर का कुछ ऐसा कुछ करके रखा हुआ, अभी वही सब करते 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 मेरा दिन भर निकल जाएगा। चलिए कुछ खाती हूँ, फिर ये सब साफ सफाई में लग जाती मेरी ड्यूटी। घर क्लीन हो गया, बेटा मेरा खाना खा रहा है, इधर बेटी अंडा ऑमलेट कर रही है अपने लिए, और घर पूरा क्लीन हो गया। जब मैं खुद से तुमको बहुत कुकिंग आती है, लेकिन पूरा किचन को फैला कर। और इधर जब घर का काम खुद अपने हाथों से करती है ना, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि ऐसे। तो हाँ, मैंने अपने क्या थेरेपी क्या काम? वो तो करना ही होगा, अपना घर का काम करने से थोड़ी ना कोई नहीं है बन जाता है। नौकर अपना घर है, करना ही पड़ेगा। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के आती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। बच्चे हो गए रेडी ट्यूशन जाने के लिए। आयन भी माँ एकदम हंस के ट्यूशन जाने के रेडी हुआ। आज मेरे बेटा का ट्यूशन में पेपर है ना, अच्छे से पेपर देना। हाँ, और कितना मिला मार्क्स छुपाना मत, दिखा देना जितना भी मिले, ठीक है? तू क्लास 9 पहुंच गया, ये अभी क्लास 3 में है। तो अपन तो क्लास 6 में मिसिंग थी। अच्छा, है ना आयन, छुपाइयो मत, ठीक है? हां, बोले क्या आप मम्मा को मत बताना प्लीज। नहीं, जितना भी मिले बताना, ठीक है? तुम लोग ट्यूशन जाओ, फिर मैं नमाज पढ़ूंगी। कुछ बच्चा कुछ मेरे सुपुट लगा लिया उंगली में, कहीं से बाहर खेलने गया था तो ग्राउंड में खेलने गया था, उंगली में चोट लग गया। आ गया मैं, तुमने कुछ टच वच किया था, बोल दे टच किया था क्या यार, मैं डांट खाऊंगी। हो जाता, चलो कोई बात नहीं। इधर ये मेरी मैडम वहां से पहाड़ तोड़ के आई है। तुझे कौन मना करे, जा। क्या चिल्लाती फालतू करी थे, मैं तो बोलूंगी। और हस्बैंड को हमारे लिए टाइम ही नहीं है, पापा को सही में मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना पापा के ऊपर, हद होती किसी चीज के, टाइम ही नहीं रहता उसके पास। नंबर इसको मैं ब्लॉक करके रख दूंगी, रुक जा, गुस्सा आ रहा है। खाना वगैरह हो गया और नमाज भी मैं पढ़ ली, और बेटी बर्तन धो दिए। जब इंजल इसको जगह में रखो, बड़ी से जब से इसको स्कूल की छुट्टी हुई है तब से वो काम पे थोड़ा बर्तन धोने में हेल्प कर देती है, तो थोड़ा रिलैक्स मिलता है, नहीं तो दिन भर घर का काम होता ही नहीं है। दीदी भी तो नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा बर्तन पड़ रहा है काम का। खा कर अपना मोबाइल देख रहा है, और यहाँ बेटी अपने बालों में हेयर ऑयल लगा रही है। मामा आर्ट फिर लाना पड़ेगा ना, ख़त्म हो रहा है। ये सब नेल प्लेट मैं लाती हूँ शौक से, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ, लगाया अब तो मैं और भी नहीं लगाती हूँ, अब तो मैं और भी लगाना छोड़ दी क्योंकि इसको मैं फिर सूख ही गया होगा,
पता नहीं सूख गया होगा लग रहा है। बोलते नेल प्लेट लगाने से बोलते नमाज नहीं होती, इसी वजह से मैं लगाना छोड़ी, मैं नहीं लगाती। नहीं सूखा, नहीं सूखा, चलो लगा लो। मेरे हस्बैंड को फ़ोन भी आया है तो उसका भाव खाते, मैं अभी फ़ोन नहीं करूँगी, दिन भर उनके पास टाइम नहीं रहता फ़ोन करने पर। और इसके बाद अभी फ़ोन कर, मैं नहीं बात करूँगी उनसे भी। और आप लोग, मैं कल वीडियो नहीं डालेगी क्योंकि आप लोग इस मतलब मन उदास था दिए कि आप लोग सब्सक्राइब कर भी अनसब्सक्राइब कर दे, तो इसी वजह से मैं दुखी होके मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं की, मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं डाली हूँ। प्लीज़ यार आप लोग को अगर पसंद नहीं आया तो बोल दिया करो कि पसंद नहीं है, आप थोड़ा अच्छा करो। लेकिन ऐसा सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते ना बहुत बुरा लगता है, प्लीज़ ऐसा मत किया करो। अगर अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मेहनत करनी है तो मैं कोई बात नहीं, मैं करूँगी, लेकिन ऐसा मत किया करो प्लीज़। अभी बस अभी जाती हूँ, अपना स्किन का थोड़ा केयरिंग करती हूँ क्योंकि दिन भर तो मैं काम के वजह से करने के लिए मिलता नहीं है। हाँ सोच तो रही, और थोड़ा स्किन का केयरिंग करती हूँ, बालों में थोड़ा हेयर ऑयल लगाती हूँ। मेरा ऐसा कोई बचपन की कहानी नहीं है, बस उसको ब्लॉग एडिटिंग करूँगी, बस सोंगी। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ डेली कर, बच्चों का स्कूल हो या संडे को छोड़कर बच्चों का स्कूल हो या ना हो, मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ। लोग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़।